अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। और चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बारे में इस वक्त मैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट लाया हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किधर होगी, पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, क्या इसका सारा का सारा सीन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और स्टेडियम्स की अपडेट भी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले यार हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अभी तक जो सोचा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो यही है कि पाकिस्तान में ही पूरी की पूरी खेली जाएगी और इंडिया भी पाकिस्तान आएगा। इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस टाइम इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे पास। उसके साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्टेडियम्स की तैयारी है उसको भी किया जा रहा है, उसको मुकम्मल किया जा रहा है, उसको सेट किया जा रहा है। और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त जो है, पहले सिर्फ और सिर्फ जो बात करें हम जो मतलब कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन के लिए तो तोड़ा गया था दो एनक्लोजर्स को, उनको तोड़ने के बाद इस वक्त रेनोवेशन और रीबिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है। तो जो नई बिल्डिंग और नया एनक्लोजर बनना है जो अपग्रेडेशन में था वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और वो कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाना है एज पर द डेडलाइन गिवन। मतलब कि ये इस साल के स्टार्ट से पहले इसको ख़त्म किया जाना है, देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक करें। और दूसरी तरफ मुल्तान में भी कहा जा रहा था प्रश्न भाई से कि उसका पता नहीं, बट जो बड़ी उसके अलावा अपडेट है वो कराची के बारे में, जहाँ पर भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई है और उसको रेनोवेट करने के लिए 2 हिस्सों में, आपको पता ही होगा रेनोवेशन होनी है, 2 स्टेजेस के अंदर होगी। एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अलग मॉडल तैयार किया गया और एक इसके उसके बाद जो एक मेगा अपग्रेडेशन होनी है, मॉडर्न स्टाइल का स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगी। तो देखते हैं क्या होती है नहीं होती है, बजट का क्या सीन बनता है, बट ये इस वक्त जो अपडेट है वो ये। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।